A very good morning to all my dear HS first year students. Once again, welcome to Logic and Philosophy online classes. Well, you must be confused कि आपके कॉलेज में लॉजिक का क्लास क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज आई एम इन लीव एंड आई एल ज्वाइन ऑन 1 नवम्बर. सो आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस 1 नवम्बर से शुरू होगा. टिल देन मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस लेती रहूंगी. और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं. सबके पास मेरा नंबर तो है ही, राइट. सो हम लोगों ने शुरू किया था कैटेगरिकल सिलोसिज्म, विच इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, जिसका नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है आप लोगों को. और फिर एक्सप्लेनेशन भी बहुत हाफ तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया है, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो मैं शुरू करने वाली हूं, उसका टाइटल है फिगर ऑफ अ सिलोसिज्म. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द फिगर ऑफ अ सिलोसिज्म, लेट मी रिवाइज द चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन, सो दैट आप लोगों को सब कुछ फिर से याद आ जाए. ओके. सो एंड दिस टॉपिक जो मैं रिवाइज करने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ द सिलोसिज्म यू मस्ट नो दिस बिफोर, दैट इज द स्ट्रक्चर. अगर स्ट्रक्चर ऑफ द सिलोसिज्म जो मैंने ऑलरेडी करा लिया है, यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियोज फॉर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन. वेल, वो समझना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं इस क्लास में आप लोगों को फिर से स्ट्रक्चर ऑफ द सिलोसिज्म रिवाइज कराऊंगी, ताकि फिगर ऑफ द सिलोसिज्म समझने में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो. ठीक है, क्लियर. नाउ सबसे पहले, व्हाट इज अ सिलोसिज्म? सिलोसिज्म क्या है? बाय नाउ आप लोगों को पता होगा व्हाट इज अ सिलोसिज्म. आप लोगों ने एग्जाम में भी लिखा था. सिलोसिज्म इज अ काइंड ऑफ इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस. इन्फरेंस जो दो टाइप्स का होता है, इमीडिएट एंड मीडिएट. सो सिलोसिज्म इज अ काइंड ऑफ इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस इन विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू प्रेमिसेस taken jointly. Once again, let me repeat the definition of syllogism. Syllogism is a kind of mediate deductive inference in which the conclusion is drawn from two premises taken jointly. ठीक है. Now let us explain this one with the help of an example. एक example से मैं आप लोगों को फिर से वो structure समझाती हूँ. देखिए, जो syllogism होता है उसमें थ्री प्रोपोजिशंस होता है. ठीक है, 1, 2, 3. ये थ्री प्रोपोजिशंस में टू आर नोन एज द प्रेमिसेस. दिस टू आर नोन एज द प्रेमिसेस. ओके, क्लियर. एंड जो प्रोपोजिशन ये दोनों प्रेमिसेस से हम लोग डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं कंक्लूजन. लाइक द लास्ट प्रपोजिशन इज नोन एज कंक्लूजन. क्लियर. सो सिलोजिज्म का डेफिनेशन क्या था? इट इज अ काइंड ऑफ मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस इन विच वी ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम टू प्रेमिसेस टेकन जॉइंटली. ये दोनों प्रेमिसेस को जॉइंटली लेके हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज नोन एज सिलोसिज्म. सो इन ए सिलोसिज्म देयर मस्ट बी ओनली थ्री एंड थ्री प्रपोजिशंस. ओके, सिर्फ तीन ही प्रपोजिशंस हो सकते हैं इन अ सिलोसिज्म. आउट ऑफ दिस थ्री प्रपोजिशन, टू आर नोन एज प्रेमिसेस एंड द लास्ट वन जो हम लोग डिराइव करते हैं प्रेमिसेस से, उसको बोलते हैं कंक्लूजन. क्लियर. ओके, दिस टू आर premises and this is the conclusion which we derive from the premises. So this is syllogism. Okay, now in a syllogism there are 6 terms. Do you remember what is a term? A term is a word or a group of word which can be used as the subject or predicate of a given proposition. Theek hai. Once again, let me tell you the definition of a term. A term is a word or a group of word which can be used as the subject or predicate of a proposition.
अ टर्म हैज इट्स ओन मीनिंग, ओके, जिसका खुद का मीनिंग होता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी अदर वर्ड और एनी अदर सेंटेंस, दैट इज नोन एज अ टर्म. फॉर एग्जाम्पल हाउस, जब मैंने हाउस बोला आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज अ हाउस, सो इट इज अ टर्म. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, टेबल, चेयर, ट्रीज, ऑल दीज आर टर्म्स, क्योंकि इनका खुद का मीनिंग है एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग, ओके, और एनी अदर वर्ड और एनी अदर सेंटेंस, ओके, क्लियर. सो इन अ सिलोसिज्म देयर आर सिक्स टर्म्स, बट जब हम लोगों ने अच्छी तरह से वेरीफाई किया सिलोसिज्म को, तो फिर हम लोगों को पता चला दैट देयर आर नॉट सिक्स टर्म्स बट देयर आर ओनली थ्री टर्म्स, बिकॉज ईच टर्म्स ऑकर ट्वाइस, ओके, सो देयर आर ओनली थ्री टर्म्स. ओके, सी दिस वन, मैन,